गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल पू फॉरएवर। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी न्यू घर में शिफ्ट हो गए हैं, सो आज मैं और बहन जा रहे हैं आइकिया स्टोर जो कि नवी मुंबई में है। सो अभी टाइम हुआ है 1 बजे, हम लोग जाने वाले थे 11 बजे के करीब, और आपको पता है कि लेट तो हमारे कुंडली में लिखा हुआ है। सो अभी कुछ खरीदने, ज़्यादा कुछ बड़े फर्नीचर नहीं खरीदे, छोटे मोटे किचन के आइटम्स और बेड शीट एंड ऑल दैट ना, लेकिन क्या पता वहाँ पर जाने के बाद हम लोग का मन चेंज हो जाए। चलो प्लीज़ थोड़ा आप दरवाजा बंद कर दीजिए और आप लोगों को दिखाती हुई, बस इसको बस कैमरा दिखाओ तो उसको लगता है कि मिरर है ये, इधर बंद करो दरवाजा। हाँ सो रेडी तो हो गए हम लोग, तो चलिए थोड़ा नीचे जाते हैं, गाड़ी से जाना है तो बारिश भी आ रही है यार, बहुत इरिटेशन हो रहा है। चलो हम लोग खा रहे हैं चिकन दिलकुश कबाब, इसको देखो आइकिया जाने से पहले इसको खाने के। तो गाइस पेट पूजा हो गई है हमारी और ये रही पूर्वी। सो पेट पूजा के बाद हम निकले आइकिया की तरफ। जैसे आप देख रहे हो कि काफ़ी बारिश गिर रही थी, लेकिन हमारी जो ये प्लान है आइकिया जाने की वो काफ़ी दिनों से डिले हो रही थी, इसीलिए आज बारिश हो या तूफान हो या कुछ भी हो हम जाने ही वाले थे। और आपने देखा कि हमने लंच करके गए हम लोग, बिकॉज खाली पेट शॉपिंग आप कर नहीं सकते, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। वैसे तो आइकिया स्टोर में कैंटीन भी है, लेकिन वहाँ पे क्या मिलेंगे वो सब हम लोग को आइडिया नहीं था, इसलिए हम ऑलरेडी लंच करके गए थे। और ये जो आइकिया स्टोर है वो लोकेटेड है ऑन दी थाने बेलापुर रोड, विच इज़ लाइक अप्रॉक्सीमेटली 600 meters फ्रॉम दी पूर्वे स्टेशन। तो ये आइकिया स्टोर जो है वो है 5 लाख स्क्वायर फीट की बनाई हुई एक स्टोर है। इसे मैं स्टोर नहीं, इसे मैं मॉल बोलूँगी। आइकिया मॉल भी कुछ काफ़ी बड़ा है, आप देख ही सकते हो कि जगह जगह पे इनके स्टाफ है और यहाँ पे इतनी बड़ी 5 लाख स्क्वायर फीट की दुकान है, मॉल है मतलब। तो यहाँ पे पार्किंग के लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेस है और हर जगह पे सैनिटाइजर्स एंड एवरीथिंग आपको मिलेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। फाइनली वी रीच्ड आइकिया और जाते ही पहले हम लोग गए वॉशरूम, बिकॉज बारिश है और बहुत जोर से लगी थी। अब चलिए शॉपिंग करते हैं। कैसा लग रहा है? नींद आ रहा है मेरे को, नींद। सो स्टोर एंटर होते ही फर्स्ट स्टॉप आता है ये सोफा सेक्शन। यहाँ पे आपको मिलेंगे डिफरेंट टाइप्स या काइंड जो बोलो आप सोफास, 3 सीटर, 2 सीटर, 6 सीटर सोफा मिलेंगे आपको। एंड आइकिया में ना एक और मस्त वाली चीज़ जो है वो है कि यहाँ पे ना दे गिव यू आइडियाज़, लाइक दे हैव सेट अप बेडरूम्स, लिविंग रूम, किचन। तो यहाँ पे उन्होंने सब वार्डरोब एंड एवरीथिंग दे हैव सेट अप, सो आप उससे आइडिया ले सकते हो या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आपको अगर ये बेड नहीं चाहिए। देखिए जैसे ये बेडरूम है तो इन्होंने पूरा का पूरा बेडरूम सेटअप किया है। और उसके बाद हम आ गए थे ये रिक्लाइनिंग चेयर सेक्शन में, यहाँ पे काफ़ी अलग अलग वेराइटीज़ थे, हमने लिया नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा प्राइस इसका ज़्यादा लगा और वेराइटी मतलब काफ़ी थे बट इतना मुझे अच्छा नहीं लगा, तो दैट्स व्हाई डिडंट बाय एनीथिंग। और वैसे भी हमें लेना नहीं था। और यह है सोफा जो है 3 सीटर सोफा, उसमें भी इतने ज़्यादा कलेक्शंस नहीं थे बट इट वाज ऑल वेरी गुड। एंड उसके बाद हम आगे चलते चलते गए, ये सब आपको कर्टन्स एंड ऑल दैट वो सब आपको दिखेंगे। ये है क्रॉकरी सेक्शन, ये देखिए पूरा डाइनिंग टेबल सेट करके रखा है, तो आपको अगर चाहिए तो फुल डाइनिंग टेबल ले सकते हो जैसा उन्होंने रखा है वैसा। ये है टीवी यूनिट, अगर आपको टीवी यूनिट लेना है, बार एरिया बनाना है तो उसके लिए ये बड़ा सा कवर्ड है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ये अंदर, मतलब समझ में आ रहा है कौन सी जगह पर जाना है। एक बास्केट ट्रॉली ये हम ले रहे थे यहाँ पे आइसक्रीम को, आई गेस 79 ऐसा कुछ तो है। यहाँ पे मैं ले रही थी सोप डिस्पेंसर, लेकिन इसमें ज़्यादा वैरायटी नहीं थे, आप देख सकते हो कि 3-4 ही कलर्स थे तो इतने कुछ खास नहीं लगे, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया। ये पूरी क्रॉकरी की सेक्शन है, पूरी ग्लास की क्रॉकरी है, बहुत ही मस्त था। और यहाँ पे नॉन स्टिक पैंस भी है, आपको किचन आइटम्स भी मिलेंगे यहाँ पे, बट कुकर एंड ऑल वो सब नहीं था। ये पॉट्स पैन ये सब आपको मिलेंगे वहाँ पे, जो कि हमने नहीं खरीदा, मैंने जस्ट वीडियोस यहाँ पे ले लिया था ताकि मैं आप लोग को दिखाऊं। और ये है वॉल लैम्प्स, इसमें भी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, आप देख सकते हो स्टार्टिंग रेट इसकी 999 की थी। इतनी कुछ खास नहीं लगी मुझे वॉल लैम्प्स में, अब इतनी ही थी वो, तो मुझे कुछ अलग चाहिए था
वो नहीं मिले हमें। ये देखिए ये सब तो थी बट इट वॉज अराउंड 3000 विच इज़ लाइक रीजनेबल मुझे लगा, बट इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए था। तो अभी हम चलते हैं फर्निशिंग की तरफ। यहाँ पे आपको मिलेंगे पिल्लोस, कवर्स, बेडशीट्स एंड ऑल दैट। बेडशीट में भी इतने अच्छे खासे ऑप्शंस नहीं थे एंड वॉज लिटिल बिट कॉस्टली। एंड थोड़ी शॉपिंग करने के बाद हम गए कैंटीन की तरफ। यहाँ पे पूर्वी को पीना था कॉफ़ी, और आप कैंटीन में देख सकते हो कि दे हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ आइटम्स, जहाँ पे चीज़ केक, मैंगो, चॉकलेट केक, क्रोसॉन एंड वो सब को मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा इंडियन फूड नहीं मिलेगा, वैसे इंडियन फूड है, दो तीन आइटम्स है, लेकिन अच्छा हो गया हमने लंच करके आए थे। हमने लिया था चिकन नगेट्स, दो कॉफ़ी, तीन क्रोसॉन और एक मैंगो चॉकलेट केक। और बारिश तो देखो बाहर बहुत जोरों से पड़ रही थी या गिर रही थी, जो भी है। तो यहाँ पे आपको ट्रे प्लेस करना है आफ्टर यू फिनिश ईटिंग योर फूड। सो बहुत अच्छा सिस्टम है विच आई लाइक इट वेरी मच, लाइक मस्त है। उसके बाद फिर शॉपिंग स्टार्ट हो गई। और ये देखिए एक किड्स बेडरूम इन्होंने बनाया था, और यहाँ पे है चेस्ट ऑफ ड्रावर्स। उसमें आपको सब कुछ, आपको जो चाहिए ना आप ले सकते हो। अगर आपको कोई ड्रावर पसंद आई, आपको क्या करना है देखो, उसकी फोटो लेना है, प्राइस टैग के साथ आपको फोटो लेना है, देन यू टू शो इट एट द बिलिंग काउंटर एंड देन दे विल गिव यू दैट विच विल नॉट बी असेंबल्ड, अनअसेंबल्ड आपको फर्नीचर घर पे लेके आना पड़ेगा। ये मिरर काफ़ी सुंदर लगी मुझे, इसके लिए फोटो तो बनता है ना, और क्या काम है। और ये है वार्डरोब सेक्शन। वार्डरोब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 door, 3 door या फिर फुल मिरर वार्डरोब जो चीज़ आपको मिलेगी। और ये है ड्रावर्स, लेकिन इसे वार्डरोब के अंदर अगर आपको कोई सेक्शन बनाना है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रावर्स मिलेंगे। अगर आपको ब्लैक, वाइट जो चीज़ आप कस्टमाइज कर सकते हो, वहाँ पे आपको उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे, उनको आप बोल सकते हो कि आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ वार्डरोब। और ये है बेड सेक्शन, और हम तो यही देख रहे थे, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी थी वार्डरोब, लेकिन हमने ऑलरेडी घर पर ले ली थी एंड बजट में थी ये वाली बेड। उसकी जो डेकोरेशन थी मस्त थी, एकदम फेरी जैसी लग रही थी मुझे, इसीलिए मैंने उसका फोटो लेके रखा था। और एक बात बता दूँ कि ये जो आइकिया है ना, वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने प्रोडक्ट्स के नाम लाइक स्वीडन, स्वीडिश में लिखा हुआ है, सिंस इट्स स्वीडन ब्रांड, तो कभी कभी समझ नहीं आता है कि क्या है ये। मतलब इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा करके स्वीडिश में लिखा हुआ है तो समझ नहीं आता, समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और ये है बेडरूम के आइडियाज़, जहाँ से आप अपने लिए, आपके फ्यूचर होम के लिए आइडियाज़ ले सकते हो। ये है टेबल्स कॉर्नर, मतलब डाइनिंग टेबल भी मिलेगी आपको यहाँ पे, चेयर्स, ऑफिस चेयर, आपको अगर कोई बालकनी में चाहिए कॉफ़ी चेयर, सब कुछ है यहाँ पे। और ये है टीवी यूनिट सेक्शन, क्योंकि टीवी यूनिट हमें लेना था बट इट वॉज नॉट दैट गुड, ठीक ठाक ही है, कलर्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। और हाँ, हमने ये एक लिया था, ये है ड्राइंग रैक, तो इतने ही हमने लिए। आइकिया ऐसे जा रहे थे हम लोग जैसे कि हम लोग को बहुत कुछ लेना है, बट नहीं, मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है। और ये देखिए, ये है इनका पूरा का पूरा गोडाउन। हम लोग जब भी बिलिंग काउंटर में आ गए थे उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे एक छोटा सा कुछ सेक्शन है, तो इसमें आपको मिलेगी होम डेकोर की आइटम्स, सेंटेड कैंडल्स, फ्लावर पॉट्स और कुछ कुछ डेकोरेशन के आइटम्स होते हैं ना, वो सब मिलेंगे स्टार्टिंग रेट्स 99। सो और हाँ, ये देखिए, ये है गोडाउन। यहाँ पे आपको मिलेगी वो सब चीज़ जो आप लेना चाहते हो, जैसे चेस्ट ऑफ ड्रावर सब है, वो आपको यहाँ से मिलेगी। यू टेक इट फ्रॉम, कलेक्ट इट फ्रॉम देयर एंड देन गेट इट बिल्ड। तो चलिए अभी चलते हैं, और जो मैंने एक ड्रावर लिया था वो हमें यहाँ से पिकअप करना है। ये जो बड़े बड़े ड्रावर सब है ना, ये आपको खुद से लेना है, ये ऐसे होते हैं, आपको घर जाके असेंबल करना है। तो जो आप प्राइस टैग में फ़ोटो रहता है उसमें आपको जाना है लोकेशन पे, जैसे अभी ये 36 और 20 है, तो उसमें आपको जाके वहाँ से उठा के लेना है। तो यहाँ से अभी ये उठा के लेके जा रही है, अभी हम लोग दूसरा ढूंढ रहे हैं क्लोथ ड्राइंग रैक। ये जो है ड्राइंग रैक एक ही बचा है थैंकफुली, और उन्होंने रॉन्ग कोड नंबर दिया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज रैक नंबर 35 एंड हम लोग को दिया था 33, तो हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं। सो ये रहा एक रैक। चिल्लू मास्क पहनो प्लीज, क्या गोडाउन जैसा लग रहा है यार फुल, ये है ना,
जो बड़े बड़े है ना क्या बोलते हैं फर्नीचर, वो आपको खुद से ऐसे लेना है एंड यू हैव टू असेंबल इट एट होम। असेंबल कैसे करने का? अरे उसको करना पड़ेगा उसमें। तो वो रही हम लोग की गाड़ी वहां पे, जल्दी लेके आते हैं। हम लोग रुक तो फाइनली हम आइकिया से निकल गए थे। और आपको एक बात बता दूं कि आइकिया काफ़ी बड़ा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आइकिया इज़ लाइक 5 लाख स्क्वायर फिट वाला स्टोर, तो बहुत बड़ा है। तो हम काफ़ी बार एक ही जगह पर घूम ही रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था एग्जिट कहाँ पे है, हमें बार बार पूछना पड़ रहा था वहाँ के एम्प्लॉयज से। तो और ना एक्चुअली वहाँ पर साइन बोर्ड नहीं है, एग्जिट का जो साइन बोर्ड होता है ना वो नहीं है, तो हम स्टोर के अंदर ही घूम ही रहे थे। तो फाइनली अब हम आ गए थे बाहर, बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गिर रही थी और अभी मैं ड्राइव कर रही थी जाने का टाइम, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट 8 o'clock समथिंग। एंड शॉपिंग हमने अपने आपने देखा कि हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, हमने जो बस एक चेस्ट ऑफ ड्रास लिया और कुछ कुछ आइटम्स लिए, वो आपको मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊँगी। एक्चुअली मैंने उसका वीडियो निकालना भूल गई, तो मैंने उसका स्क्रीन शॉट निकाल के आई हैव पुल्ड अप। तो जो ड्रावर है ना उसको असेंबल करना थोड़ा सा मुश्किल है, लाइक आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे लगाना है, और इतना पेशेंस मूवमेंट नहीं था। आई रियली वॉन्टेड टू यूज़ इट, फटाफट मुझे अपने सारे मेकअप के आइटम्स रखने थे। तो ओपन क्लब को बुलाया मैंने, उन्होंने 30 मिनट्स के अंदर सब कुछ असेंबल करके दे दिया। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। ये है 6 chest है इसमें, आप देख सकते हो। तो स्पेस आप देखो इसके अंदर काफ़ी है, तो आप आराम से आपके सारे जो डेली स्किन केयर रूटीन है वो सब रख सकते हो, उसके अलावा भी बहुत कुछ रख सकते हो। तो ये बेड साइड के लिए तो अच्छा है, तो मैंने इसीलिए लिया था। दिस वॉज फॉर 2990, यस। और प्लस ओवन क्लैप असेंबल करने के लिए भी उसका भी पैसा लगेगा ना, वो अलग से। सो ओवन क्लैप चार्जेस यू अराउंड आई गेस 400 समथिंग। तो ये इसमें आपको दो तीन कलर्स मिलते हैं, एक तो ग्रे, एक वाइट और एक ब्लैक। तो उधर कोई कलर अवेलेबल नहीं था, सिर्फ ब्लैक था, तो मुझे ब्लैक लेना पड़ा। तो दिस इज़ ऑल दैट आई गॉट फ्रॉम आइकिया। बड़े बड़े चीज़ नहीं लिए मैंने क्योंकि थोड़े कॉस्टली थे, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो चीप में थे लेकिन कुछ कुछ कॉस्टली थे, तो मुझे वो सब लेना नहीं था, जस्ट वॉन्ट टू सी द स्टोर। सो गाइज, दिस वॉज माई छोटा सा एक आइकिया हॉल वीडियो बोलो या जो भी बोलो। इफ़ यू लाइक दिस डू गिव इट अ थम्स अप and comment and subscribe to my channel. I'll be back with some other videos in the day. Till then, bye bye and love you all.